लॉरेंस इंटरव्यू मामले में 1.5 साल बाद एक्शन। पंजाब के 7 पुलिसकर्मियों पर गिरेगा जो 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पंजाब सरकार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में 1.5 साल बाद एक्शन देखने को मिला है और पंजाब के 7 पुलिसकर्मियों पर गिरेगा जो 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पंजाब सरकार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, पंजाब सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में 1.5 साल बाद एक्शन लिया और ऐसे में पंजाब के 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है जिसमें से 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो इस मामले में जो जाँच की गई और उस जाँच में ये पाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसका इंटरव्यू करवाने में, वो व्यवस्था कराने में ये सभी पुलिसकर्मी जो थे वो दोषी पाए गए हैं। इस मामले में पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह सिंधु समेत 6 अन्य जो पुलिस वाले हैं उन्हें उन पर जो गाज है वो गिरी है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ये हालांकि ये मामला जो है वो 2 साल पुराना है और करीब करीब 1.5 साल पुराना है और अब जाकर जो इसमें कार्रवाई है वो इसमें सामने आई है जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन्हें सस्पेंड किया गया है और इसमें लापरवाही बरतने का मामला जो है वो सामने आया है। और साथ ही में अगर हम डीएसपी की बात करें या फिर अगर हम बात बाकी पुलिस अधिकारियों की करें तो वो उन्हें भी जो सस्पेंड है वो कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ये सभी जो अधिकारी थे वो दोषी थे। जी, परदेश शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।